अच्छा जी, उसके बाद अब मैं जिक्र करती हूँ कुछ एक्सरसाइजेस का, जिनको आप अपनी रूटीन में शामिल करके आप अपने हिप्स और थाइस को टोन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी हम अपने मील्स में फूड आइटम्स लेते हैं, जो भी खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करते हैं और पोषण कंट्रोल के साथ हम खाते हैं, पोषण कंट्रोल मीन्स एतदाल के साथ अगर हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है डिफरेंट एरियाज़ में। और जैसे कि मेरा आज टॉपिक है हिप्स और थाइस का फैट कैसे कम करें, तो उसमें ये होता है कि स्पेशली वैसे तो मर्द हजरात में भी और ख्वातीन में दोनों में ये प्रॉब्लम है कि लोअर रीजन पे फैट एक्युमुलेशन हो जाती है ज़्यादा कैलोरीज खाने की वजह से। लेकिन ख्वातीन में क्योंकि उनके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो मर्द हजरात से थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि उनका जो पेल्विक एरिया होता है, जो हिप्स और थाइज होते हैं, वहाँ पर एक्सेस कैलोरीज लेने की वजह से फैट डिपोजिशन जो होती है थाइज और हिप्स के एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं मेडिकली, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। स्पेशली जैसे लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ कि उनमें जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ख़वातीन की बॉडी के लिए, लेकिन अगर उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए बॉडी में तो वो प्रॉब्लम कॉज करना शुरू कर देता है। वो वेट गेन कराता है और स्पेसिफिक एरियाज़ पे वेट गेन कराता है, जैसे कि आपका लोअर एब्डोमेन हो गया और थाइज हो गए और वेस्ट लाइन हो गई आपकी और हिप्स हो गए। एक तो इस हार्मोन की वजह से फैट एक्युमुलेशन हो रही है, ठीक है, और ये हार्मोन की डिस्टरबेंस क्यों होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ उसका क्या रीज़न है। सेकेंड रीज़न है कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है। और थर्ड और सबसे मेन रीज़न, जितने भी ओबीज लोग होते हैं जिनमें मोटापा होता है उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन होता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जब कभी कुछ भी आप खाते हैं आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, और जब उसकी एक्सेस ज़्यादा हो जाती है तो वो आपका फैट एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किस वजह से होती हैं ये भी मैं आपको जिक्र करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, रिक्वेस्ट आ रही होती हैं कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को बताऊँ स्पेशली हिप्स और थाइज़ के लिए, कि आप जो है वो इसको स्पॉट रिडक्शन कहते हैं। अगर आप थाइज़ और हिप्स से या किसी भी एरिया से, किसी स्पेसिफिक एरिया से एक्सरसाइज करके अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इसको स्पॉट रिडक्शन कहते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि आप स्पॉट रिडक्शन करके आप अपना किसी स्पेसिफिक एरिया से फैट लॉस नहीं कर सकते। 80% जो होता है आपकी बॉडी में फैट रिडक्शन के लिए डाइट का 80% रोल होता है और एक्सरसाइज का होता है 20% रोल। ओके, ये नहीं हो सकता कि आपने स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस की और आपका किसी स्पेसिफिक एरिया से फैट कम हो गया। अच्छा, इसमें क्या है कि जो डाइट आपने, जो मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बताई कि हार्मोनल इशू और इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिज्म जो आपका स्लो हो जाता है, ये किन सब चीज़ों से स्लो हो जाता है? जब आप कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ अपनी डाइट में शामिल करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और आपके हार्मोनल इशूज़ भी, आपका जो हार्मोन होता है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? इसमें 80% रोल जो है वो डाइट का है। उसमें अगर आप, मैं डाइट की बात करती हूँ, एक्सरसाइज का मैं आपको डाइट के बाद जिक्र करूँगी। ओके, अगर मैं डाइट की बात करती हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी रूटीन से एलिमिनेट कर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फैट रिडक्शन पे ओवरऑल। उसमें सबसे मेन चीज़ आ जाती है आपकी शुगर, ठीक है, रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स में आपका वाइट आटा, वाइट ब्रेड, वाइट राइस,
आपकी चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, बिस्किट्स, जितने बेकरी आइटम्स हैं, समोसे, पकौड़े, नमक पारे, निम्को, फीजी ड्रिंक्स, जो जूसेस होते हैं पैकेट वाले वो, इवन फ्रेश जूसेस भी, और शरबत, और ये सारी चीज़ें जो है वो, इनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आप ये चीज़ें अपनी डाइट से एलिमिनेट नहीं करेंगे, इनको नहीं निकालेंगे अपनी डाइट से, आपका फैट रिडक्शन नहीं होगा, आपका मोटापा कम नहीं होगा. और इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों के खाने से उस वक्त तो आपको हैप्पी फीलिंग होती है, ठीक है, आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उस वक्त, जिस वक्त आप ये थोड़ा कंज्यूम कर रहे होते हैं, ओके. उसके बाद थोड़े टाइम के बाद स्ट्रेस हॉर्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो उससे आपको स्ट्रेस होता है, उससे और आपका वेट गेन होता है. अच्छा, इन सब चीज़ों के बजाय हमें क्या लेना चाहिए अपनी डाइट में? हमें अपनी डाइट में प्रोटीन की क्वान्टिटी ज़्यादा करनी है, और हमें अपनी डाइट में फाइबर की क्वान्टिटी ज़्यादा करनी है. प्रोटीन, जैसे मैंने हमेशा जिक्र किया कि प्रोटीन जो है वो एग्स में शामिल है, चिकन में है, फिश में है, मटन में है, बीफ में है, लेकिन कोशिश करें कि कुछ अर्से के लिए आप जो है वो रेड मीट जो है वो अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दें. और डेरी भी आप कोशिश करें कि कुछ अर्से के लिए फुल फैट मिल्क ना लें, फुल फैट योगर्ट ना इस्तेमाल करें, घी, बटर ये इस्तेमाल ना करें प्लीज़. घी बटर इस्तेमाल करने से आप का कभी भी वज़न कम नहीं होगा, चाहे वो इवन थोड़ी सी क्वांटिटी में भी होगा. जब आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, फिर आप टेस्ट के लिए आप जो है वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी आपने सिर्फ अपना वेट लॉस करने के लिए आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है और मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो भी बहुत मिनिमम क्वांटिटी में. अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि फ़ाइबर आप अपनी डाइट में ऐड करें, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, उसमें जो होल ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स की तरफ आप लोग जा सकते हैं. होल ग्रेन्स, होल ग्रेन आटा आप इस्तेमाल करें, होल ग्रेन आटे से बनी हुई रोटी, ब्रेड, ओट्स, और दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो राजमा होता है, रेड किडनी बीन्स, वाइट किडनी बीन्स, इन सब चीज़ों का आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, और रिफाइंड कार्ब्स और शुगर्स जो है वो आप अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दें. अच्छा जी, उसके बाद अब मैं ज़िक्र करती हूँ कुछ एक्सरसाइजेस का, जिनको आप अपनी रूटीन में शामिल करके आप अपने हिप्स और थाइस को टोन कर सकते हैं, ओके. जब फैट रिडक्शन होता है तो फिर आपके मसल्स थोड़े से प्रोमिनेंट होते हैं. आपको फैट रिड्यूस करना ज़रूरी है. अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो वो ये कोशिश करें कि पहले वो वॉक करके अपना वेट थोड़ा सा कम करें, और उसके बाद वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. और जंप्स तो बिल्कुल नहीं करनी, जंप्स नहीं करनी है आपने, स्किपिंग भी नहीं करनी है, इसलिए कि फिर आपके खुदा न खास्ता दूसरे प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं. आपके कोई जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, आपको बॉडी पेन हो सकती है, तो उससे ये होगा कि आपको फ़ायदा होने के बजाय आपको नुकसान हो जाएगा. तो उसमें यह है कि आप जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है तो वो वॉक से स्टार्ट करें, ब्रिस्क वॉक की आदत डालें, और उसके बाद चार एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आप अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं आपके हिप्स और थाइस के एरिया को टोन करने के लिए. अच्छा, उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज की मैं बात करूँगी कि जो हिप ब्रिजेस होते हैं वो आप कर सकते हैं. सेकेंड जो है वो स्क्वाट्स आप कर सकते हैं. थर्ड में लंजेस, फोर्थ में लेग रेजेस. अगर ये चार एक्सरसाइजेस भी, सिटअप्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिटअप्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है. जब आपका स्टैमिना थोड़ा सा बन जाए तो आप सिटअप्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये चार एक्सरसाइजेस ऐसी हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी के साथ इन सब चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करना है. अच्छा, और जैसा कि मैंने बताया कि ठीक है, इसका रोल है 20%, लेकिन आपने अपनी डाइट पे जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.